सब, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, सबने नोटिस किया होगा विंटर में यानी कि सर्दियों में स्किन थोड़ा डल बेजन सा हो जाता है। सो गाइस, आज मैं ऐसी दो चीज़ों की बात करूँगी जिनको यूज़ करने से आपका स्किन ग्लोइंग और मॉइस्चराइज दिखने लगेगा। अगर आप हाउसवाइफ हो या कॉलेज गोइंग गर्ल हो या फिर स्कूल में पढ़ते हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो। लड़का लड़की कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो गाइस चलिए देख लेते हैं वो दो चीज़ कौन सी है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, नारियल तेल एंड हल्दी पाउडर। आप सबको पता ही है कोकोनट ऑयल स्किन और हेयर के लिए कितना अच्छा है। स्किन को मॉइस्चराइज करता है और साथ ही साथ हील भी करता है स्किन को, एक्ने को ट्रीट करता है और हार्मफुल बैक्टीरिया से भी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और हल्दी, इसमें है एंटीऑक्सीडेंट जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। अब देख लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। एक चम्मच ऑयल में एक चुटकी हल्दी मिक्स कर लीजिए। गाइस, ऑयल ज़्यादा लेना है और हल्दी बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना है, वरना हल्दी का स्टेन पड़ जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आप इस मिक्सचर को चेहरे पे या पूरा बॉडी पे लगा सकते हैं। तो गाइस चलिए इस मिक्सचर को लगा के देख लेते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, मैंने कोकोनट ऑयल और हल्दी पाउडर के मिक्सर को लगा लिया है। अब इसको 10 मिनट ऐसे ही रहने देंगे हम लोग। तो गाइस 10 मिनट हो गए हैं, चलिए अब इसको धो लेते हैं। ज़्यादा रब नहीं करना है, हल्के हाथों से इसको मसाज करके आप अपने मनपसंद फेस वॉश से फेस को धो लीजिए। और अगर आपको इसको बॉडी में लगाना है तो कोई भी पसंदीदा बॉडी वॉश या साबुन से धो लीजिए, आपको इंस्टेंटली फ़र्क दिखेगा। जैसे कि आप सब देख सकते हो, मेरा स्किन मॉइस्चराइज्ड और ग्लोइंग लग रहा है इस मिक्सर को लगाने के बाद। सो गाइस, अगर आप डल स्किन से छुटकारा पाना चाहते हो तो इस DIY को ट्राई ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना आपका एक्सपीरियंस। तो गाइस, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।